भेड़िया और सारस। एक लालची भेड़िया था। एक दिन वह खूब जल्दी जल्दी भोजन कर रहा था। भोजन करते करते उसके गले में एक हड्डी अटक गई। भेड़िए ने हड्डी बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, पर उससे वह नहीं निकली। वह विचार करने लगा, अगर हड्डी मेरे गले से बाहर नहीं निकली तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं खा पी नहीं सकूँगा और भूख प्यास से मर जाऊँगा। नदी के किनारे एक सारस रहता था। भेड़िया भागता भागता सारस के पास पहुंचा। उसने सारस से कहा, सारस भाई, मेरे गले में एक हड्डी फंस गई है। आपकी गर्दन लंबी है, वह हड्डी तक पहुंच जाएगी। कृपया करके मेरे गले में फंसी हुई हड्डी निकाल दीजिए, मैं आपको अच्छा सा इनाम दूंगा। सारस ने कहा, ठीक है, मैं अभी तुम्हारे गले की हड्डी निकाल देता हूँ। भेड़िए ने अपना जबड़ा फैलाया। सारस ने फौरन अपनी गर्दन भेड़िए के गले में डालकर हड्डी बाहर निकाल दी। अब मेरा इनाम दो, सारस ने कहा। इनाम? कैसा इनाम? भेड़िए ने कहा, इनाम की बात भूल जाओ, भगवान का शुक्रिया अदा करो कि तुमने अपनी गर्दन मेरे गले में डाली और वह सही सलामत बाहर चली आई। इससे बड़ा इनाम और क्या होगा। तो बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें दुष्ट और धूर्त लोगों की बातों में कभी नहीं आना चाहिए। उन्हें एहसान भुलाते देर नहीं लगती। हमें कभी भी धूर्त लोगों की मदद भी नहीं करनी चाहिए। हमेशा उनसे दूरी बना के रखनी चाहिए।